कैंट आर्या गर्ल्स कॉलेज में आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में बच्चों ने खूब मस्ती की। इस पार्टी को लेकर बच्चों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। उन्होंने स्टेज पर खूब डांस किया और फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपमा आर्या के साथ कॉलेज का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपमा आर्या ने बच्चों को आर्या का मतलब भी समझाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ, नोबल। यानी अनीता मैम, जो ये बच्चे आर्या गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आए हैं, जो इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको ये पता होना चाहिए कि आर्या गर्ल्स कॉलेज में पढ़कर जो उनको यहाँ पर तालीम दी जाती है, जो बात उनको सिखाई जाती है, जो हुनर उनको दिया जाता है, हमारे सब टीचर्स ये चाहते हैं, ये शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप जिंदगी में जब बाहर निकलो तो उस हुनर के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाओ। हम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं, तो हम ये अपने आप से प्रण लें कि हम बनेंगे और ये अपने आप एक मिसाल कायम करेंगे कि हम आर्य गर्ल्स कॉलेज के बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू। Thank you.
आज का ये आयोजन हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया उनके लिए है, एक सुखद फ्रेशनेस का एहसास दिलाने के लिए ये फ्रेशर्स पार्टी हम हर साल आयोजित करते हैं। और मेरे साथ जो आयोजक हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने ये आयोजन करने में पूरा सहयोग दिया। आर्ट्स की आज हम कर रहे हैं, आर्ट्स फैकल्टी का ये उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आर्य गर्ल्स कॉलेज में आने का मतलब हम उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आर्य का मतलब क्या है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, नोबल, यानी दूसरों से हटकर। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि आपने जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है और जब आप यहाँ से पास आउट होकर निकलो तो आप वाकई में समाज में एक आदर्श नागरिक बनो और एक आदर्श स्टूडेंट बनो और आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो, ये महाविद्यालय की कामनाएं हैं उनके साथ। बिल्कुल, मैंने अभी स्टूडेंट्स को भी ये कहा कि 3 बरस अगर वो यूजी करती हैं, अगर पीजी करती हैं तो 5 बरस, यही 3 या 5 साल उनके बनने और बिगड़ने के होते हैं। अगर स्टूडेंट चाहे, अगर जो टीचर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन में अगर वो चलें और कायदे कानून में रहें जो महाविद्यालय ने उनके लिए निर्धारित किए हैं, अगर ये इनमें चलें तो ये बुलंदियाँ छू सकती हैं, आसमान की ऊँचाइयाँ छू सकती हैं। लेकिन अगर अपनी राह से भटक गई तो ये वास्तव में ये समय जो विद्यार्थी की उम्र का ये समय होता है ये वापस नहीं आता। इसीलिए इस तरह के आयोजन हम करते हैं पढ़ाई से हटकर, ताकि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को ये पता लगे कि उनको सारी तरफ उनका चहुमुखी विकास हो और वो एक अच्छे वातावरण में एक फ्रेशनेस के साथ इस महाविद्यालय में पढ़ती रहें और उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं आर्य परिवार अपने इन विद्यार्थियों का जिन्होंने इस वर्ष यहाँ पर एडमिशन लिया है। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पिछले दिनों मेरी बात भी आपसे हुई और स्टेटस ये कि हमारे जो परसेंटेज है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे, बड़े काबिले तारीफ़ वो परसेंटेज हमारी रहती है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा और अब भी अगर मैं अपना पीजी का आपको परसेंटेज बताऊं तो सबसे कम जो लड़की है क्लास में, जो सबसे कम परसेंटेज है वो 62.3 एक क्लास की मैं बता रही हूँ। तो इसका मतलब फर्स्ट रिविज़न लेकर वो एमए में उत्तीर्ण हो रही है। और इसी तरह मैं यूजी की बात करूँ तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो हमारा अपना विषय नहीं होता, अगर हम कहें हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, उसमें भी बच्चे के 100 में से 92 मार्क्स आना, तो ये दर्शाता है कि हमारे टीचर्स एक बड़ा अच्छा माहौल दे रहे हैं बच्चों को और एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके और वो जीवन में जो ऊँचाइयाँ चाहती हैं, जो सपने उन्होंने देखे हैं, उन सपनों को वो पूरा करने के मददगार हैं मेरी टीचर्स। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है सर। सर रोज़ पढ़ाई करनी है, अगर एक दिन हम उनको जीने के लिए दे दें और ये जीना उनके लिए बहुत सुखद होता है, क्योंकि आज का आयोजन जो है, मैंने आपको कहा कि कुछ इंचार्जेस हैं मेरे साथ खड़ी हैं, डॉक्टर सुमन हैं, डॉक्टर अमनीत हैं, डॉक्टर पंकज हैं, डॉक्टर अनीता गुदारा हैं, ये सब उनको एक मार्गदर्शन दे रही हैं सिर्फ, लेकिन आयोजन सारा स्टूडेंट्स ने किया है। तो इस तरह के आयोजन करने से उनमें एक आत्मविश्वास जागता है ताकि ज़िंदगी
सभी का जो आयोजन है, जो समायोजन है, वो उसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और इसीलिए इस तरह के फंक्शंस होना, जो कि आज़ादी से वो अपना काम, आज देखिए आप जितने वो डांस प्रोग्राम्स कर रही हैं, हमने उनमें कुछ नहीं छेड़छाड़ की, हमने कोई फेरबदल नहीं किया। आज उनका दिन है, उनको भरपूर खुशी से जी लेने दो, यही हम सब टीचर्स की दुआ उनके साथ रहती है। माय नेम इज़ रितु एंड आई एम फ्रॉम बीए सेकंड ईयर ऑनर्स। फ्रेशर पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके थ्रू टीचर्स और स्टूडेंट्स में इंटरेक्ट होता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को समझ सकते हैं, उन्हें टीचर्स के नेम्स पता चलते हैं, उन्हें ये पता चलता है हमें टीचर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं इसके थ्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो आते हैं इतना उन्हें पता नहीं होता। और सेकेंडली स्टूडेंट्स को भी, स्टूडेंट्स अपने अपने नेम्स बताते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसमें रैम वॉक भी होती है जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और इसमें से एक पीस फ्रेशर भी निकाली जाती है, और दो तीन अलग टाइटल्स भी होते हैं, और इस तरह हमारा एंटरटेन भी होता है। माय नेम इज़ मीनाक्षी, आई एम रेडियन बी ए सेकेंड ईयर। आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और एंजॉयमेंट का बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे फ्रेशर्स का वेलकम कर रहे हैं हम ऑफिशियली रूप में, और हमारे फ्रेशर्स रैंप वॉक कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन फुल ऑफ एंजॉयमेंट है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके हमें अपने जो हमारे फ्रेशर्स आते हैं उनका टैलेंट देखने का मौका मिलता है, उनमें क्या क्या टैलेंट है, उनका टैलेंट इंट्रोड्यूस होता है। आज के दिन हमें हमारे न्यू कमर्स, हमारे कॉलेज में कौन कौन सा टैलेंट है उसका भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है, और ये फुल ऑफ एंजॉयमेंट वाला दिन होता है। थैंक यू एवरीवन।